मैंने उनको मिन्नतें की, उनके मैंने कहा मेरी बात करा दें, मेरी बीवी बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं कराई बात, 3 घंटे के बाद मेरे पास आते हैं कि जी हमें बड़ा दुख है जी, आपकी बेगम फौत हो गई, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। मुझे कहने लगा मामा हम मरियम की तरफ जा रहे हैं, उनको इतला करनी है। मैंने कहा हरगिज़ नहीं, आप मरियम को खुद जाके इतला नहीं देंगे, मैं जाऊंगा खुद और उसको जाके मरियम को इतला करूंगा। तो जब मैंने मरियम को ये बात बताई तो सकते में आ गई और बहुत ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से मैंने मरियम को संभाला, ये बताने के लिए कि जी आपकी बीवी बीमार है तो मरना भी पड़ता है। मेरी वालदा साहब का मैं आपको एक बात बताऊं, वो मुझसे खसूसी प्यार करती थी। वो पिंडी वाली जेल है, वहाँ आके जब मुझे हफ्ते में एक दफ़ा जब मिलती थी तो मुझे कहती थी मैंने अब तुम्हारे बगैर वापस नहीं जाना। कि नहीं हम नहीं कर सकते, उनके नहीं फिर मैं भी इनके साथ यहाँ रहूँगी सेल में, मुझे भी यहीं रख दो। फिर शहबाज साहब को ये गिरा ही रहा है हमेशा कि आपसे अम्मी ज़्यादा प्यार करती थी, आप पहले ठीक हैं। जब उन्होंने जान दी तो बिल्कुल मेरे हाथों में थी, मैं उनके सराहाने बैठा हुआ था जब वो सिसकियाँ ले रही थी और मैं विद इन मिनट्स वो फिर फौत हो गई। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है आज मरियम मेरे साथ बैठी हैं। तो मुझे वो सब मनाजर याद आ रहे हैं जो पाकिस्तान पे जाके एयरपोर्ट पर उतरते ही जो उन्होंने हमारे साथ जो हाल किया वो आपके सामने है। जैसे कि एक बहादुर बेटी अपने बाप का साथ देती है, मरियम ने वो सबूत दिया है। माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मरियम पे। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब भी उसके मोतरफ हैं, शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिकली बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया। पार्टी माशाल्लाह इस मोतरफ है इस बात की। हिस्ट्री में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें, हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अपनी गैरत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? और मुझे समझ नहीं आई कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। यानी मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? हर चीज़ महंगी हुई है इमरान खान के दौर में, मेरे दौर तक अवाम खुश थे, मुतमईन थे।